एनटीवी टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की जघन्य हत्या की घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर किया। आज देश के अस्पतालों में चिकित्सकों को विभिन्न प्रकार के खतरों व भय के बीच काम करना पड़ता है। अक्सर अस्पताल में घटनाएं होने के बाद चिकित्सक वर्ग को न्याय नहीं मिल पाता। आज चिकित्सक अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित है। कोलकाता की घटना में निष्पक्ष व विश्वसनीय जांच करने की मांग देश भर के चिकित्सक कर रहे। IMA इटावा के सभी चिकित्सकों ने IMA हाल पक्का तालाब पर एकत्र होकर अपनी मांगों को लेकर पैदल चलते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए कचहरी प्रांगण में सिटी मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह को ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। IMA के पदाधिकारी और सदस्य डॉक्टर ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि कुछ इस प्रकरण में कार्रवाई कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसका कठोर संदेश अराजक तत्वों तक जाए, जिससे ऐसे अराजक तत्वों के मन में कानून का भय व्याप्त हो, वो इस तरह की घटनाओं में लगाम लगे। कोलकाता की घटना को लेकर IMA इटावा के चिकित्सक आपसे निम्न बिंदुओं के संदर्भ में अपनी मांगों को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, मामले में त्वरित सुनवाई कर दोषियों को अधिकतम सजा दिलाई जाए। डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सभी प्रकार के अराजक घटनाओं से बचाने के लिए एक केंद्र कानून बनाया जाए। सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को देश के किसी भी इलाके में काम कर रहे मेडिकल छात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित सख्त नियमों को लागू करने का अधिकार दिया जाए। IMA के चिकित्सकों की आपसे अपेक्षा है कि आप हमारी मांगों को पूरा करके देश भर के चिकित्सकों को भयमुक्त परिवेश प्रदान करेंगे, जिससे चिकित्सक समाज को अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान दे सके। विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन देने में डॉक्टर SC गुप्ता, डॉक्टर DK सिंह, डॉक्टर VK गुप्ता, डॉक्टर रमाकांत रावत, डॉक्टर रजनी रावत, डॉक्टर DK दुबे, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, डॉक्टर संजीव यादव, डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर किरम, डॉक्टर हबीब, डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह, डॉक्टर शोभित मेहरोत्रा सहित IMA के सभी पदाधिकारी, सदस्य, चिकित्सक उपस्थित रहे। एनटीवी टाइम के लिए इटावा से नितेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट।